हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने के लिए जिसका नाम है टाटा मोटर। मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं वो मैसेज कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे टाटा मोटर अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पर्सनली आज मैं आपको बताऊँगा मेरा व्यू क्या है टाटा मोटर के ऊपर, इसे क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कभी इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए। तो जनरली मैं फॉलिंग नाइफ पकड़ता नहीं, मतलब जो स्टॉक नीचे गिरता है उसको मैं बाय नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ एक उसका ऊपर लेवल टूटने के लिए, उसके बाद वो अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करता है उसी के बाद मैं एंट्री करता हूँ। बट टाटा मोटर अपने इंडिया की बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप में से एक कंपनी है, तो मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर आपको टाटा मोटर बाय करना है तो आप बाय करिए 180 से 160 की रेंज में, मेरी बाइंग रेंज रहेगी 180 से 160। अगर आप उसको स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो स्टॉप लॉस उसका रखिए 130 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन मंथली, बिकॉज मैं आपको जो ये व्यू बता रहा हूँ वो मंथली बेसिस पे है। और इसका फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 269। अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 269 ब्रेक ही नहीं कर रहा था, इसने मल्टीपल्स यू कैन से 2 टाइम्स इसने 600 का लेवल बनाया था ऊपर वाले रेंज में यहाँ पे, उसके बाद ये वापस से 269 आता था, फिर वापस 600 जाता था। पर दिस टाइम बिफोर 3 मंथ्स 4 मंथ्स इसने 269 का लेवल ब्रेक कर दिया, विच वॉज़ अ बैड थिंग। उसके बाद ये कंटिन्यूसली फॉल होते होते 170 तक आ गया। अभी टाटा मोटर में रिसेंटली बहुत सारी बैड न्यूज़ आ रही है, JLR से उसको लॉस हो रहा है। ये सब तो कंपनी में होता रहता है, एक अच्छी कंपनी में कभी बुरी चीज़ कभी अच्छी चीज़ आती रहती है, बट एक बुरे टाइम के बाद एक अच्छा टाइम आता है, जो टाइम को आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको टाटा मोटर लेना है तो आप 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक के लिए लीजिए। मेरा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 130 ऑन क्लोजिंग बेसिस, इसकी बाइंग रेंज रहेगी 180 से 160, और इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 269, जो हमारा पहला सपोर्ट था, नाउ इट इज़ बिकम रेजिस्टेंस। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा उसके बाद मैं आगे अपडेट करते रहूँगा कि इसका सेकेंड टारगेट क्या है, थर्ड टारगेट क्या है। आई होप आपको मेरा ये व्यू पसंद आया होगा टाटा मोटर के लिए। अगर आप किसी और स्टॉक के रिलेटेड मेरे से व्यू चाहते हो या वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, और अगर आप इसको लाइक कर दोगे तो मुझे अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।